बिहार स्टार टीवी सही खबर सबके लिए से मैं एमएम बरगाती इस वक्त मौजूद हूं कुम्मा पंचायत के वार्ड नंबर 10 के अंदर ग्राम बकरी के अंदर। और यहां पर जो है विकास का कार्य बड़ी तेजी से हो रहा है और तमाम यहां की जो आवाम है वो वार्ड सदस्य को, मुखिया को और सरपंच साहब को सबका सहयोग कर रहे हैं सब लोग। आइए हम सरपंच साहब से ही जानते हैं कि ये इतने दिन के बाद ये विकास कार्य क्यों हुआ। सब सुविधा मतलब सब व्यक्ति समझ रहे थे कि स्कूल में जो है आवागमन की बड़ी दिक्कत है, परेशानी है। जैसे इलेक्शन भी होता था तो उसमें जाने में पदाधिकारी को दिक्कत होता है, जांच करने हेतु स्कूल में भी पदाधिकारी को परेशानी होता है। धार्मिक स्थल है, बरबरात है, सामाजिक तौर पर जो भी बरबराती आते हैं उसको वहाँ पर बैठने उठने में भी असुविधा होता था। ये सोच करके हम सब ग्राम ब्रासी जो है सहमति व्यक्त करते हुए अपना घर द्वार तोड़ते हुए जो इंदिरा आवास मिला हुआ है, जो गरीब है इंदिरा आवास मतलब बना हुआ था वो भी तोड़ करके दिया है इसमें। यानी आम लोग की बिल्कुल सहमति यहाँ पर सरपंच साहब के जरिए आप सुन रहे हैं। मैं ग्रामीण से जानता हूँ सर, ये कार्य के अंदर किसी तरह की किसी को कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं सर, काम अच्छा हो रहा है। हाँ, एकदम अच्छा हो रहा है। वार्ड अध्यक्ष के ये पति हैं तो ये खुद जो है सारे ग्रामीण के मौजूदगी में जो है ये काम करवाए हैं। सर इतना विलय क्यों हुआ इस काम में? काम में पब्लिक दे गया था, उनको नाम कहिए ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सब लोग आपके कार्य से खुश है कि जाने के अंदर बाधा हो रही थी वो बाधा अब खत्म हो जाएगी? जी, 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 जी। अब थाल कीचड़ की समस्या तो नहीं रहेगी? नहीं, 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 नहीं। अच्छा, अभी ये खरंजा हुआ है, पीसीसी कब तक होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा, क्लियर हो जाता है सर। यही वो स्कूल है और ब्रह्म स्थान तक आने वाला रास्ता जो आप सब देख रहे थे, जहाँ पर आने के लिए हमारे विद्यार्थियों को, हमारे बच्चों को जो कठिनाई और परेशानी हो रही थी, जिसके कारण ग्रामीण के तमाम लोग, तमाम जनता मिल करके और ये एक अच्छा निर्णय लिए और वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में और मुखिया जी, सरपंच जी, तमाम लोगों के सहयोग से ये एक बेहतरीन कार्य हो रहा है। आइए, ये बुजुर्ग महिला हमारे साथ है, इस कार्य को लेकर, इस काम को लेकर ये खुद कितना खुश है, कितने उत्साहित है, आपको मैं इनसे सुनवाता हूँ। चाची की नाम है भारती देवी। कैसा काम हो रहा है? बहुत अच्छा काम हो रहा है। आपकी तरफ से क्या सहयोग मिला इसमें? हम जमीन दिए हैं, तीन जगह जमीन दिए हैं। अच्छा, तो वो अपना घर का भी पाछे जमीन दिए हैं। आप जमीन दिए हैं तो उसका आपको कोई अफसोस? कोई अफसोस नहीं, समाज के बच्चा पढ़ेगा, कोई अफसोस नहीं। इतनी जागरूकता है हमारे समाज के अंदर और हमारे पंचायत के अंदर कि देखिए लोग अपना जमीन निजी दे रहे हैं बनाने के लिए। हम कहते हैं कि इसी पंचायत की तरह सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का हर पंचायत हो जाए, प्रेरणा लेना चाहिए इस पंचायत से, इस पंचायत वासियों से, इस वार्ड के लोगों से, इन तमाम समाज के लोगों से कि ऐसा ही काम अगर हर पंचायत में हो तो हमारा सीतामढ़ी बहुत जल्द उन्नति करेगा। और आइए, हाँ, आप 140 फीट के करीब ज्यादा है, 140 फीट से लंबाई और 8 फीट चौड़ाई। हाँ। ये जो देव चाह का घर है, विष्णुदेव चाह का और वसुदेव चाह का, उसके पीछे दीवार सटा करके 8 फीट मेरा पर्सनल गया है, चौड़ाई 8 फीट और 140-145 फीट की लंबाई। जय भगवान, तब से हमारे सब कुछ काम हो रहा है, बहुत अच्छा ढंग से हो रहा है। और जो हम भी जमीन दिए हैं उसमें हम ही भूमिदाता है और क्या कहें, जैसे जो सब कुछ काम ठीक ढंग से चल रहा है। जो मेरे गांव का लोग सब है, समाज सब है, वही अच्छा कर रहा है। मेरे गांव के मुखिया है, मेरे गांव का सब कुछ है, मेरे गांव का हर चीज है, मेरे गांव का अच्छा विकास हो रहा है। मेरे गांव का पूरा गांव के समाज मिल के रोड ले जाए थी, घर द्वार तोड़ के, कि में आनंदी रहे, खुशी रहे। स्कूल में हकीम सब जाए थी, सब थाल खेत में जाए थी, वही के लिए खुशी के लिए हम सब दे रहे थे। आगे चल के आदमी से आरोप लगा रहा है, गरीब आदमी सब घर तोड़ के दे थे, धनिक आदमी सब आरोप लगा रहा है। स्कूल में काम करती है, देखिए दोनों तरफ रोड के चलते दोनों तरफ ही अपना हिस्सा दिया है, पर्सनल अपना आज फिर देख लीजिए आपके सामने। यहाँ के ये ग्रामीण जो है जैसे उत्साहित है कि बाहर से आने वाले हमारे लोग जो है सही तरीके से ब्रह्म स्थान तक पहुँचे, स्कूल और विद्यालय है उधर,
जहाँ बच्चे जा रहे थे उनको दिक्कत हो रही थी, वो सारी समस्याओं को दूर करने के लिए तमाम यहाँ की जनता की ये ख्वाहिश थी कि अच्छा रोड बन जाए, अच्छी सड़क हो जाए जिससे थाल कीचड़ से बचा जा सके। और ये तमाम लोगों की मेहनत का ये नतीजा है कि आज खरंजा हो चुका है। बहुत जल्दी इन्होंने वादा किया है कि पीसीसी भी कर देंगे। मिला हुआ था मकान, ये पूरा टूट जाएगा। ये तमाम लोग जो हैं, अभी आप देख रहे थे कि इंदिरा आवास में मिला हुआ घर जो है उसको भी जो गवर्नमेंट की तरफ से सहायता राशि होती है और उसके अंदर अपना भी कमाई मिला करके घर बनाते हैं, उसके बावजूद खुद वार्ड सदस्य अपना जो मिला हुआ घर है उसको तोड़ करके भी आम जनता के लिए परेशानी न हो उन्होंने दिया है। आइए, मैं बुजुर्ग महिला हमारी साथ है और उनसे मैं आप सबको जो है बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्या आपने सहयोग किया है। मकान तोड़ के दिए पूरा समाज के लिए, देश के लिए, सब आएगा, सही पर चलेगा, सबके लिए अब आसानी हो गई। और इससे जो है आपने जो घर तोड़ा है तो फिर आपको इसकी कठिनाई नहीं और तकलीफ नहीं महसूस हो रही है? नहीं, समाज के लिए कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। आप अपने राजी और खुशी से किया है? मैं राजी दिए है, राजी अपने खुशी से, मैं अपने खुशी समाज के लिए। चाची आपकी तो एज बहुत होगी, हमको लगता है 60 पार है आप। 70 प्लस है। पेंशन मिल रहा है आपको? पेंशन मिल रहा है। आपके जैसी जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं हैं उन सबको पेंशन दिलवा रहे हैं कि नहीं? हम कहाँ से देव अभी, हमारा सरकार दे रही है। आप जो है अपनी जगह आप अपना घर तोड़ दिए आम लोगों के सुविधा के लिए, तो आप ऐसी प्रेरणा दीजिए कि जो 60 साल की बुजुर्ग महिला हो जाती है उन सबको जल्द से जल्द पेंशन मिलना चाहिए। तो उनका से जब मिलता होगा, हमको हम नौकरी में इनके पिताजी रहे ना, तो हमको वही के पेंशन मिल रहा है। चलिए, तो तमाम ग्रामीण तकरीबन यहाँ पर खुश है इस काम को देख करके, और मैं आपको बहुत जल्द लेकर आऊंगा जब इसका पीसीसी कार्य होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा पंचायत ऐसे ही कामों की वजह से उन्नति करेगा, इसी से हमारा विकास और बढ़ेगा और तमाम लोगों को आसानियां पैदा होगी। तमाम दर्शकों का दबंग बिहार स्टार टीवी चैनल करूंगा कि अब तक अगर ये चैनल को आप नहीं देखते हैं तो आप देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल दबाइए ताकि आपके इलाके की खबर आपको तुरंत मिल सके। जय भारत, जय बिहार। इधर का भी ले लीजिए ना।